जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम एक गवाही के साथ, क्योंकि युवाओं का सेशन है तो युवाओं की बात हम बताएंगे शुरुआत में। कि एक बार ऐसा था, एक लड़का था और वो प्रभु का वचन सुनाने में, प्रार्थना में, गीत में, हर चीज़ में आगे था। लेकिन उसका एक साथी था जो उसको पसंद नहीं करता था, वो उससे बहुत नफरत करता था उसका साथी। तो जब ये जो भी चीज़ करता था वो उसको उसमें उसकी बुराई करना, उसको हर चीज़ में नीचा दिखाना चाहता था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब ये लड़का आगे बढ़ा और उसने ऑनलाइन मिनिस्ट्री भी शुरू की और अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसने अपना डालता था वचन सुनाना या गवाहियाँ या गीत परमेश्वर के कार्य के लिए, तो मित्र को बहुत गुस्सा आता था और वो क्या करता था, वो उसकी हर एक चीज़ को एक फेक आईडी से डिसलाइक करता था और रोज़ डिसलाइक करता था। मित्र को लगा पहले वाले लड़के को कि भाई ऐसा कौन है कि जैसे मैं डालता हूँ तो पहला एक डिसलाइक जरूर आता है डालते ही, यानी कि कोई ना कोई ऐसा है जिसने मेरी इस चीज़ को सब्सक्राइब किया हुआ है कि मैं जैसे ही डालता हूँ उसको नोटिफिकेशन जाता है और पहला कार्य ये होता है कि डिसलाइक करने का काम होता है। तो वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु जो भी कुछ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि हम वो जो भी वचन सुनाते हैं हम सब जानते हैं कि कोई भी उसको लाइक या डिसलाइक के लिए नहीं सुनाता है, कोई भी वो इसलिए नहीं सुनाता है कि वो उसकी वाहवाही हो, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे। और वचन भी हमसे कहता है कि आनंदित और मगन हो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, मत्ती 5 में है। तो ये मित्र इस चीज से नाराज नहीं था, मगर वो इस चीज से दुखी था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुंदर प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाहता है और बिना सुने ही, क्योंकि डालते ही एक मिनट के अंदर तुरंत ही कर दे तो वो साफ जाहिर है कि उसने कुछ सुना नहीं है, उसने कोई उसमें डिसलाइक वाली बात पाई नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति से नफरत करता है इसलिए वो उसकी हर चीज़ को डिसलाइक करता है। और ये करने से उसको बहुत आनंद आता था दुष्टता करने से। वचन भी कहता है कि नीति वचन में दुष्ट भी जो बुराई ना करे तो उसको नींद नहीं आती, शांति नहीं होती। लेकिन ऐसा हुआ समय के साथ, ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, सबके लिए करता था, मेरा वचन जहाँ भी जाए प्रभु का आत्मा का कार्य हो, और एक भी आत्मा को छुए, ये फर्क नहीं पड़ता कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वचन एक भी आत्मा को छूता है और वो आत्मा बचाई जाती है, प्रभु में आती है, तो वचन में लिखा है कि स्वर्ग में आनंद होता है, उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे ही ये व्यक्ति भी खुश होता था कि चलो मेरा वचन पहुंचा तो इसके मन को छुआ, उसके मन को छुआ, कुछ लोग अपने पापों से तौबा करे। यहाँ ये जो डिसलाइक करने वाला था इसने सोचा अब मैं ऐसा करूँगा, एक दो और फेक आईडी बनाऊँगा और एक ही मेरी ही डिसलाइक होती है तो ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को शामिल करूँगा। उसने बहुत सारे मंडली बना ली ऐसी, और धीरे धीरे करते करते न केवल एक इस व्यक्ति की बल्कि इससे संबंधित सारे लोगों की, जो भी वचन सुनाते थे उनका काम ही यही हो गया ये करने का। तो जो इनका लीडर था जिसने शुरू करा था ये डिसलाइक करना, एक दिन उसने सोचा कि अभी तो मैं सिर्फ डिसलाइक ही करता हूँ, अब मैं इसमें सुनूं जरा ये क्या कह रहा है, और वो बात पकड़ के मैं उसके विरोध में खराब खराब बातें लिखूंगा कमेंट में, सुनूंगा। तो उसने बुराई ढूंढने के लिए अगली बार का वचन जब पोस्ट हुआ उसको सुना। जब उसने उसको सुना तो वो यीशु मसीह की माफ़ी के बारे में था, वो यीशु मसीह के प्यार के बारे में था, वो यीशु मसीह की ऐसी शिक्षाओं के बारे में था कि जो सुने उसका मुंह बंद हो जाए। जो कह रहा है अपने विरोधियों को श्राप मत दो, आशीष दो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपना बुरा चाहने वालों के लिए आशीष मांगो, श्राप नहीं दो आशीर्वाद मांगो। वो सोच में पड़ गया और वो सोचने लगा ये किस प्रकार की बात है, ये क्या बात है, इसमें तो चलो कोई मुझे बात ऐसी दिख नहीं रही कि मैं लिखूं। धीरे धीरे अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो जब सुना उसने बुराई ढूंढने, जब उसने कान खोले सुनने के लिए,
तो प्रभु के वचन ने उसके जीवन में काम करना शुरू किया, उसकी सामर्थ ने काम करना शुरू किया, उन प्रार्थनाओं ने काम करना शुरू किया और धीरे 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 इस आदमी का हाथ रुक गया डिसलाइक करने से, और उसने चुपचाप रहा। कुछ महीनों तक वो शांत रहा, लेकिन प्रभु का कार्य ऐसा रहा, गवाही ऐसी रही कि धीरे 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 वचन ने ऐसा काम किया, प्रभु की सामर्थ ने ऐसा काम किया कि ये जो जलने वाला व्यक्ति था, जो हर चीज़ में बुराई ढूंढने वाला व्यक्ति था, उसको वचन की प्यास जाग गई। वो वचन पे अपने कान धरने लगा, वो सुनने लगा, वो पढ़ने लगा, और धीरे धीरे उसने एक बाइबिल ले ली कि जो ये कह रहा सच में ऐसा है भी कि ये ऐसे ही लिख रहे हैं मेरे लिए लिखी है मैं बात, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब उसने वचन खोला, बाइबिल पढ़ी, क्योंकि अब तक उसको लगता था बाइबिल कोई ईसाइयों का कुछ ग्रंथ है, यीशु मसीह की एक अलग कुछ टीचिंग है और कुछ लोग उसके पीछे चल रहे हैं, उनकी कहानी अलग है, उसको ये लगता था। जब वचन पढ़ा, देखा यीशु मसीह का प्यार सारे जहान से, पूरी मानव जाति से है, मुफ्त में है उसका प्यार, उसकी नजात की योजना, उसकी सारी स्वर्गीय आशीषें, सारी ब्लेसिंग सबके लिए, और सारे पृथ्वी के लोग लिखा उसी के हैं, हम सब उसी के हैं। और वो कहता है तुम मुझे जानो या नहीं जानो, पर मैं तुम्हें जानता हूँ, नाम से जानने वाला परमेश्वर है और बाइबिल का परमेश्वर है, जो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और ऐसे बहुत सारे वचन धीरे 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 उसके मन को छुए। ये सच्ची गवाही, ये कोई मैंने मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रखी है, ये सचमुच में ऐसा हुआ। उसका मन बदल गया धीरे धीरे, पहले उसने डिसलाइक करना शुरू करा, फिर उसने चुप रहना शुरू करा, धीरे धीरे उसने लाइक करना शुरू किया, धीरे धीरे उसने आमीन और हैलेलुया करना शुरू करा, और धीरे धीरे आप सोच नहीं सकते वो वचन सुनाने लगा, और उसने माफ़ी मांग ली, उसने उस मित्र से मित्रता कर ली, और उस मित्र ने कहा कि मेरा कोई काम नहीं है जो तुम मुझे धन्यवाद करो, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन है, सामर्थ परमेश्वर की है, मनों को बदलना परमेश्वर का कार्य है, आपका और मेरा नहीं। आज मैं कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये बहुत कॉमन बात है, ये तो गवाही इसके साथ हो गई, लेकिन आज तो लोगों के मन ऐसे कठोर हैं कि वो वचन सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर भी वचन जैसे कहता आंखें तो हैं इनको दिखाई नहीं देता, कान तो हैं इनको सुनाई नहीं देता, और बुद्धि इनकी काम नहीं करती। तो हमें ज़रूरत है सब विश्वासियों की कि हमें उनको पलट के जवाब नहीं देना है, हमें उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करनी है। और जो कुछ भी वो लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, हम सब जानते हैं। ऑनलाइन में तो हमारे पास सारी तरीके की बात है कि हम उन्हें ब्लॉक कर लें, डिलीट कर लें, सब कुछ कर लें, सब कुछ करें, लेकिन उनके लिए प्रार्थना हमेशा अवश्य करें, क्योंकि मनों को बदलने का कार्य परमेश्वर का है। और ये देखिए, जो लाइक और डिसलाइक वाली बात है, वो भी हम समझ गए कि वो जब तक ये सोच रहा था मैं इस व्यक्ति को कर रहा हूँ, क्योंकि वो उस इंसान को नापसंद कर रहा था, उस वचन को नहीं। बहुत गहरी बात है। आज बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, इसलिए उससे जुड़ी हुई कुछ भी बात को पसंद नहीं करते, लेकिन वो वहाँ पे जो प्रस्तुत कर रहा है वो अपने आप को नहीं कर रहा है, वो वचन को कर रहा है। उस समय आप जो कुछ भी उसमें बोल रहे हो, जो कुछ भी लिख रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन जो दोधारी तलवार है, उसके विरोध में अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लिखें, यहाँ तक कि आमीन लिखना भी, हर बात में नहीं। उस पर हम आगे जाएंगे, आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे उन सारी बातों पर, जो आज युवा लोग बड़े ही भ्रमित हैं, बिना सुने हर चीज़ में आमीन आमीन जानते हैं। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, जिसमें हम सहमत हैं, लेकिन अगर आप बिना सुने सहमति हर चीज़ में आमीन आमीन, बहुत सारे लोग तो मैं हैरान हूँ जोक्स पर भी आमीन लिखने लगे हैं। देखिए सच बता रही हूँ मैं, जोक्स हैं, कुछ बात है, चमत्कारी बात है, इससे चमत्कार होगा, इसको यहाँ भेजो दो दिन, उसको वहाँ भेजो, ये होगा वो होगा, मतलब सारी बातें अनबिब्लिकल, जो बाइबिल में है ही नहीं, उनमें आमीन लिख रहे हैं। कुछ ऐसे ही और सत्य परमेश्वर चाहता है आप और मैं जान लें, खासतौर से युवा लोग, और उसने कुछ नए प्रकाशन दिए हैं, नए प्रकाशन की बातें जो आज
जो आत्मा से भरपूर लोग हैं, चाहे वो जवान हैं, उनको कहते हैं तुझे कौन सा विजन हो गया, तू ज़्यादा अति धर्मी क्यों बन रहा है, तू ये कौन सी बात कर रहा है, तू ये दर्शन की बात क्यों कर। अगर वो गलत को गलत कह रहा है, सही को सही कर रहा है, उसके विरोधी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु आज कह रहा है कि बिल्कुल सावधान हो जाए, क्योंकि परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है अपने वायदे के मुताबिक, जो उसने कहा अंत के दिनों में अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, दास दासियों पर भी उंडेलूंगा अपना पवित्र आत्मा बहुतायत से। तो जो लोग ये कह रहे हैं तुझे कौन सा दर्शन हुआ, तू क्यों बोल रहा है, ये अति धर्मी बन रहा, उन सारे सवालों को प्रभु ने सब बातों का बोझ दिया कि वो युवाओं तक जाए। वो सारे बात एक 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 करके हम आने वाले दिनों में पूरे युवाओं की जितनी भी सभाएं चलेंगी उसमें उन सब पर बात करेंगे। अभी मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी आपके सामने, जो वचन है भजन संहिता अध्याय 34 और उसका 8 वचन है। परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो यानी खुद चेक करके देखो, चक के देखो, परख के देखो, परमेश्वर भला है। किसी के कहने से नहीं बल्कि स्वयं जांच के, स्वयं चक के देखे। और परमेश्वर चाहता है, और वो बहुत सारी बातों से सावधान कर रहा है। देखिए आपने भी, बहुत सारे युवा लोग भी ये बात से परेशान है जो आत्मा से भरपूर है, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ, जो आत्मा से भरपूर है, आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण है, उनकी बातों को, क्योंकि स्वर्गीय बातों को, आत्मिक बातों को सामान्य मनुष्य ग्रहण नहीं करता, लेकिन वचन तो कह रहा है ना, चख के देखो, परख के देखो, वचन में हर जगह है। तो वो गवाही दें तो उसको बोलते हैं, वो दर्शन बताएं तो उसको बोलते हैं, और बहुत सारे नए नए प्रकाशन, क्योंकि ये तो आपकी और मेरी बनाई हुई बात नहीं है, ये तो वचन में लिखा है, ये तो वायदा है परमेश्वर का, और दो बार लिखा है। देखिए योएल नबी की पुस्तक में भी लिखा है वही बात, अंत के दिनों में आत्मा बहुत आयत से उन्हें लूँगा, और वही बात प्रेरितों के काम पुस्तक में भी दोबारा रिपीट की है, दो बार यही बात है। और ये बहुत ही खास बात है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बात जानती हूँ, क्योंकि ये मैंने भी वाकई में चक्के और परख के देखा है कि ये वाकई में सच बात है। जो लोग कहते हैं तुझे कैसे सब कुछ पता चल गया, तुझे कौन सा दर्शन हो गया, तुझे क्यों हो गया, क्योंकि प्रभु अपना भेद प्रकट करता है भोले लोगों पर। बहुत ज़्यादा वो नहीं देखता आप कितने बुद्धिमान हो, कहाँ आपकी योग्यता है, आपकी शक्ल सूरत बनावट शक्ति बुद्धि सुंदरता क्वालिफिकेशन, पैसा कुछ नहीं। प्रभु आपका हृदय देखता है, और वो ऐसे ही लोगों को चुनता है जो शून्य से शुरू करते हैं, शून्य होके आते हैं। तो वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। कितना सुंदर वचन है, और ये वचन जब आप मन में बिठा लेंगे, युवाओं लोगों से जब अपने मन में बिठा लेंगे कि कोई तुच्छ ना जाने, मतलब ये कोई ये ना समझने लगे ये चला है हमें सिखाने, कल का बच्चा जरा सा तो जरा अभी थोड़ा ही बड़ा हुआ है और हमें सिखाने चला, क्योंकि प्रभु का आत्मा देता है, वो समझ देता है कि वो आपको शिक्षकों से भी अधिक बुद्धिमान बना सकता है। तो आने वाले दिनों में उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे वीडियो भी बनाएं उन सब बातों में जो हम जिन पे आजकल जिन प्रकाशन पर हम बात कर रहे हैं उन पे वीडियो भी बनाएं, कि आने वाले दिनों में हम सब उन नए प्रकाशन को जानें जो प्रभु चाहता है, चाहे वो गवाही के जरिए हो, चाहे वो दर्शन के जरिए हो, चाहे वो वचन सुनाने के जरिए हो, ग्रहण करें, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। और ये जितना जो कुछ चल रहा है अंत के समय की बात, जो बातें मैं अपना आत्मा उंडे लूँगा और ये मसीह सताओ की बात, ये सब बातें जिस पे प्रभु प्रकाशन देता है और चाहता है अपने लोगों को कि बोलो, हाँ की बात हाँ हो तुम्हारी, ना की बात ना हो, खासतौर से अपने युवाओं के लिए एक नमूना तैयार करें। जब आप और हम ये ढीले बने रहेंगे ना, वहाँ को हाँ बोलते हैं ना हम ना को ना बोलते हैं, और एक ढर्रे पे चलते रहते हैं तो क्या होगा, आत्मा शोकित होता है प्रभु का। और जब परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है तो वो अपने लोगों पर प्रकट करता है अपना प्रकाशन, वो सब कुछ दिखाता है। अब जो लोग कहते हैं कौन सा विजन हो गया, क्या देख लिया, उन पर हम आने वाले दिनों में पूरा प्रकाशन बताएंगे, सब कुछ समझेंगे, हम वचन में से ही समझेंगे, कोई मेरी और आपकी या किसी और की व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत राय नहीं है, वचन जो कह रहा है वही बात है। तो आज वचन में से मैं बस इतनी ही बात बोल रही हूँ कि
चख के देखो परख के देखो, मैंने एक ही रेफरेंस आज बोला है सिरे, भजन साहित्य अध्याय 34 और उसका 8वां वचन, चख के देखो परमेश्वर भला। इसीलिए जो हम अभी गवाही से सीखे, वो व्यक्ति से नफरत कर रहा है लेकिन वो वचन से नफरत नहीं कर सकता जब वचन को जानता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग क्रिश्चियन लोगों को, मसीही लोगों को, उनके कारनामों से हो सकता है व्यक्ति से नफरत करते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह को जान के जब देखेंगे तो ढूंढते रह जाओगे कहाँ कमियाँ निकालूँ, कौन सी कमी निकालूँ, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं, वह परफेक्ट कामिल है। और जो कुछ आप हमें लिखते हैं, चाहे कमेंट्स में लिखो, चाहे मैसेज में लिखो, चाहे कहो, चाहे कोसते रहो, प्रभु हमें बोलता है कि हम आनंदित हैं उसमें, आनंदित और मगन हैं, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो आज परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।